दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी में बनारसी के एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। उनके माता पिता महाराष्ट्र से आए थे। रानी लक्ष्मीबाई 4 साल की ही थी और उसकी माँ का देहांत हो गया। उसकी पढ़ाई घर में हुई। बचपन से ही वह स्वतंत्र थी, उस पर कोई पाबंदी नहीं थी। सन 1820 में जब रानी लक्ष्मीबाई 14 साल की हुई तो उसकी शादी राजा गंगाधर राव से कर दी गई। तब से वह लक्ष्मीबाई कहलाने लगी, जो राजा गंगाधर राव की दूसरी पत्नी थी। राजा गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई का एक बच्चा हुआ, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। लेकिन वो बच्चा 4 महीने के अंदर ही मृत्यु हो गई। उसके बाद राजा ने एक गोद लिया, एक बच्चे को गोद लिए। उसका नाम आनंद राव था, जो उनके कजिन का बेटा था, लेकिन उनका नाम दामोदर राव रख दिया गया। वो बच्चा भी किसी कारण से जीवित ना रह सका। अब रानी लक्ष्मीबाई का स्थिति बहुत खराब थी। रानी लक्ष्मीबाई का किस्मत बहुत बुरा था। उनके हस्बैंड का भी डेड हो गया, राजा गंगाधर राव का भी डेड हो गया 1853 ईस्वी में। अब जून 1857 में अंग्रेजों ने झांसी के किले को कब्जा करना चाहा। अब झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और वीर योद्धा तात्या टोपे के अलावा कोई नहीं बचे थे। लेकिन कोई वीर योद्धा नहीं बचा था, लेकिन अंग्रेजों ने तात्या टोपे को बड़ी चलाकी से मार दिया। अब रानी लक्ष्मीबाई पूरी तरह से कमजोर हो गई थी। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई फिर भी हार मानने वालों में नहीं थी। वो ठान ली थी कि वो अपने अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लड़ेगी और कभी भी उनके हाथ नहीं आएगी। और यही हुआ। उसने बड़ी बहादुरी से अंग्रेजों की नींद उड़ा दी और कभी उनके हाथ नहीं आए। उनकी चिता गांव के लोगों ने शांतिपूर्वक जला दिए। हमारे देश की सभी महिलाओं को तब झांसी की रानी बनना चाहिए जब उन्हें जरूरत हो, जब उन पर अत्याचार हो रहे हो, उन्हें नीचा दिखाया जा रहा हो। आज हमारे देश में औरतें किसी भी मर्द से कम नहीं है। औरतें घर संभालने के साथ साथ वो सब कुछ कर सकती हैं और करती भी है जो एक मर्द करता है। जहाँ तक मेरा मानना है तो औरतें ही दुनिया को बनाती है और बिगाड़ती भी है। मर्द भी कम नहीं है, लेकिन हर जगह लेडीज फर्स्ट होती है और रहेगी भी। औरत दुर्गा है, काली है, आपने तो सुना ही होगा ना कि नारी शक्ति में कितनी ताकत है। तो हमारे देश की किसी भी नारी के साथ रेप और अन्य कोई अत्याचार हो तो तुरंत बिना डरे आवाज़ उठाना चाहिए और बाकी औरतें उनका साथ दें। अगर आप एकजुट होकर नारी शक्ति को बढ़ावा नहीं देगी तो कल ये घटना आपके साथ भी हो सकती है, फिर कौन देगा आपका साथ। इस प्रकार की रेगुलर और बेहतर वीडियो पाने के लिए अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिए, जिससे भला हो सके किसी का। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए और दमदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।